सीधा रुख करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, आज ऐसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है? बात करें सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की, तो लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव दौरे कर रहे हैं। 8 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होना है और आज शाम 6 बजे तक सारे चुनाव प्रचार थम जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी मधु जी, देखिए कि ये लोकसभा का मध्य प्रदेश का विशेष तौर से कहा जाए कि चौथे चरण का मतदान है, आखिरी चरण का मतदान है। इसमें 8 लोकसभा सीटें हैं, 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी की हुई है। वहीं दूसरी तरफ देखें राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आज अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आपने जो कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, तो मोहन यादव का रतलाम इंदौर लोकसभा का दौरा है, यहाँ पर वह 3 रोड शो करेंगे, जनसभाएं भी करेंगे और अपने जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के उन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। इधर दूसरी तरफ देखें बीडी शर्मा, उनका भी लगातार दौरा है और इसी के साथ में जो बीजेपी के बड़े दिग्गज हैं उन सभी का दौरा है। इधर दूसरी तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी लगातार अपना दौरा जमाए हुए हैं और लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाट पिपलिया और जो आपका काला पीपल है, यहाँ पर जीतू पटवारी जाएंगे और जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। इधर चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी की हुई है, आज शाम को 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। 6 बजे तक का वक्त है राजनीतिक पार्टियों के पास में, जो कि जनसभाएं कर सकें जनसभाएं करेंगे, रोड शो करना है जिनको रोड शो करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के पीड़ी चोटी का दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही है। शाम 6 बजे कहा जाए कि जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा, फिर उसके बाद में डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा, डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी और उनके साथ में जो उनके समर्थक हैं। तो इसी को लेकर के आखिरी चुनाव है, इसमें पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जी मधु जी। जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।